सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं चिकन फ्राइड राइस। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप बोनलेस चिकन ले लीजिए, उसको धोकर साफ़ कर लीजिए। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए और काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल गरम कर लीजिए। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकती हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकती हैं। जब ऑयल गरम हो जाए तो जो हमने चिकन में नमक काली मिर्च लगा के रखा था आप इसमें डाल दीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। अब आप इसको ढक दीजिए और इसको पकने दीजिए। अब आप अंडा ले लीजिए और उसको एक बाउल में तोड़ लीजिए। अब आप इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए और इसको फेंट लीजिए। अब आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से फेंट लीजिए। जब चिकन पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आप उसी कढ़ाई में जो हमने अंडा फेंट के रखा था वो डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दे करते हुए भुजिया टाइप बना लीजिए। जब अंडा बन जाए तो आप इसको भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आप उसी कढ़ाई में फिर से ऑयल डालकर उसको गरम कर लीजिए। जब ऑयल गरम हो जाए तो आप इसमें बारीक कटा प्याज डाल दीजिए और इसको भून लीजिए। अब आप इसमें जीरा डाल दीजिए और इसको भी मिक्स करके भून लीजिए। अब आप इसमें बारीक कटा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। अब आप इसमें बारीक कटी गाजर डाल दीजिए और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। अब आप इसमें शिमला मिर्च डाल लीजिए और इसको भी फ्राई कर लीजिए। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए और काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो मत डालिए। अब आप इसमें बॉयल्ड चावल डाल दीजिए। चावल को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा था और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें चिली सॉस डाल दीजिए और विनेगर डाल दीजिए, ये वाइट विनेगर है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें फ्राइड राइस मसाला डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो मत डालिए, पर इसको डालने से इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब आप इसमें जो हमने चिकन को फ्राई करके रखा था और अंडे को बना के रखा था वो डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें सोया सॉस डाल दीजिए
और इसको भी अच्छे से मिला लीजिए। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। अब चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।